हाय फ्रेंड, कैसे हैं? होप एवरीथिंग इज फाइन। वेलकम टू डोंट टर्न डॉक्टर वंस अगेन। तो जैसे आज आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, काफ़ी सवाल आ रहे थे M30S के एंड्रॉयड 10 की अपडेट से। लोग बहुत परेशान हो गए हैं, काफ़ियों को बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, काफ़ी कमेंट्स मेरे पास आए हैं। एंड रिसर्च के बाद और सारा देखने के बाद सिनेरियो कुछ सोल्यूशन के ऊपर मैं पहुँचा हूँ, जिससे आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। तो कारण पहले बताऊंगा क्यों आ रही है प्रॉब्लम्स, और उसका सोल्यूशन बताया जाएगा। तो अगर आपको M30S में एंड्रॉयड 10 की अपडेट के बाद कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें, आपका सोल्यूशन इसमें है। काफ़ी रिसर्च के बाद, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, मैंने काफ़ी लोगों से कंसल्ट किया, काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने मेरे साथ कॉन्टैक्ट किया, अपनी प्रॉब्लम्स बताई, फिर मैंने सोल्यूशन देखे, कारण ढूंढा, और अब मैं नतीजे पे पहुंच चुका हूँ। काफ़ी जो उसका वैलिड रीजन है वो आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप नए चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मिलाते हैं ड्रोन से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड टेक जो मैं यूज़ करता हूँ, एंड सम टाइम वी ऑल्सो शेयर हेल्दी हेल्थ अपडेट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो मोस्टली मेरे पास M30S के सवाल आ रहे हैं, एक तो आ रहा है कि जी इसकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो रही है एंड्रॉयड 10 के अपडेट के बाद। दूसरे कई अलग से आ रहे हैं सवाल जो इसकी फंक्शनिंग के ऊपर आ रहे हैं, कि हमारा कैमरा ढंग से नहीं चल रहा, फ़ोन अपने आप रीस्टार्ट हो रहा है, अपने आप हैंग हो जाता है, अपने आप प्रॉब्लम आ रही है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है। कई लोगों ने कहा है कि हमारे कैमरा के ऊपर कुछ अक्षर उल्टे दिखते हैं, मतलब इस तरह की कोई प्रॉब्लम है। कई कह रहे हैं कि हम यूज़ भी नहीं करते फ़ोन, फिर भी ड्रेन हो जाता है। कई लोग उनका कहना है कि चार्जिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही है उसका, हालांकि मैंने सोल्यूशन बताया था, स्टिल लोग कह रहे हैं, और बाकी कुछ सिग्नल का बताते रहते हैं, बट एज सच मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिस जिस भाई के पास M30S फ़ोन है और प्रॉब्लम कोई भी नहीं आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, वैसे अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। कारण ये है कि जब आप अपडेट करते हैं, तो सोल्यूशन आपको बताने वाला हूँ कि सबसे पहले कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है, और उसका फिर बाद में बताऊंगा सोल्यूशन। तो फ्रेंड्स, आपको भी इसमें योगदान देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा मुझे कि आपने अपडेट कैसे किया है। जब भी आप अपडेट करते हैं, मोबाइल की कोई अपडेट आती है, उस पर लिखा रहता है कि इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ वाईफाई। ध्यान कीजिए, गौर कीजिए बात को, वो क्यों लिखा रहता है? वो इसलिए लिखा रहता है कि जब भी कोई अपडेट निकलती है, जैसे अब एंड्रॉयड 10 का बड़ा अपडेट था, वैसे कोई भी अपडेट लिखे तो उसमें रिकमेंडेड रहता है कि आपको वाईफाई कनेक्शन यूज़ करना। उसका कुछ लॉजिक है, उसका लॉजिक ये है कि जो ये डाउनलोड्स होते हैं, अपडेट्स आती हैं, वो काफ़ी हैवी होती हैं, काफ़ी सिक्योरिटी पैचेस होते हैं उसमें, ताकि आपको चलाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो रिकमेंडेड यही किया जाता है कि जब भी आप इसको करें, एक पहला बात कि आप इसको वाईफाई कनेक्शन पे करें, दूसरा बात चार्जिंग पे लगा के रखें, क्योंकि कोई बैटरी लॉस ना हो जाए। अगर आपने इसको मोबाइल डाटा से डाउनलोड किया है, मोबाइल डाटा इज़ नॉट एज रिलायबल, इतना स्ट्रांग नहीं होता जैसे हमारे वाईफाई कनेक्शन होता है, और वाईफाई थोड़ा फास्ट भी होता है। तो जिस जिस भाई ने मेरे इस अपडेट को मोबाइल डाटा पे डाउनलोड किया है, यानी अपडेट लिया है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें कितने लोग हैं और आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरे हिसाब से जो रिसर्च मैंने की है, उसमें यही पता लग रहा है कि जिस जिस सब्सक्राइबर ने वे, या आप अगर पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने क्या मोबाइल डाटा से अपडेट किया था फ़ोन? अगर किया है तो उसका प्रॉब्लम क्या है? उसका यही प्रॉब्लम है कि मोबाइल में कई बार डाटा के चक्कर में कुछ हैवी डाउनलोड्स ढंग से डाउनलोड नहीं हो पाते हैं, और वो डाउनलोड अगर ढंग से अपडेट मतलब डाउनलोड नहीं हुए तो इंस्टॉल भी नहीं हो पाएंगे, और अगर इंस्टॉल नहीं होंगे तो आपको प्रॉब्लम्स जैसी अब आ रही हैं इसको चलाने में, और तरह तरह की, जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल दिए, तो वो एक बहुत बड़ा कारण है ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए। तो आगे से हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप अपडेट कर रहे हैं अपने फ़ोन को, ऐसी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है, कोई भी अपडेट आ रही है आपके सॉफ्टवेयर में, तो एक तो इसकी बैटरी चार्जिंग पे इसको लगाएं, और नंबर दो वाईफाई यूज़ करें इसको डाउनलोड करने के लिए, क्योंकि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपका कैमरा का कुछ स्टेबलाइजेशन नहीं आ रहा, ऑपरेटिंग मतलब बड़ी बेसिक चीज़ जैसे चार्जिंग नहीं हो रही है, अपने आप रिस्टार्ट हो रहा है, हैंग हो रहा है, तो वो आनी नहीं चाहिए। वो उसका कारण यही है कि आपके बग्स आ गए हैं आपके अपडेट में, और वो बग्स कैसे रिमूव होंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ अब।
वो ऐसे रिमूव होंगे कि आपको करना पड़ेगा फैक्ट्री रीसेट फोन को। ये पहला सोल्यूशन है। दूसरा, आप सैमसंग केयर में जाएं, वो आपको नया सॉफ्टवेयर डाल के देंगे। तो घर में बैठ के अगर आप कर सकते हैं तो इसमें ऑप्शन मिलती है फैक्ट्री रीसेट की, तो कृपया आप जाकर फैक्ट्री रीसेट करें अपने फोन को। तो फैक्ट्री रीसेट में का मतलब है आपका डाटा का बैकअप किसी और फोन में ले लें, नहीं तो सब कुछ उड़ जाएगा। क्योंकि यही एक सलूशन है अब, क्योंकि आपने जो अपडेट कर लिया उसमें बग्स हैं, बग्स का मतलब है उसमें प्रॉब्लम्स हैं, और वो प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी अगर आप ये सोल्यूशन नहीं करेंगे। तो सोल्यूशन यही है कि आप उसको जाके फैक्ट्री रीसेट करें। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कहाँ से जाके फैक्ट्री रीसेट होगा। और कृपया करके अपने इम्पोर्टेंट फोटोज़, जो भी उसमें आपका इम्पोर्टेंट डाटा है, वो अलग किसी कार्ड पे ले लें या अपने किसी कंप्यूटर में डाल लें, क्योंकि फैक्ट्री रीसेट होगा तो बिल्कुल फैक्ट्री की तरह ये फ़ोन बन जाएगा। उसके बाद कृपया करके जब भी कोई भी आप अपडेट लें तो एक तो उसमें आप बैटरी लगाएं, नंबर दो उसमें आप वाईफाई कनेक्शन का यूज़ करें। अगर आपके पास वाईफाई कनेक्शन नहीं है तो किसी फ्रेंड की मदद लें तो तभी बेटर रहेगा, नहीं तो अगर आपकी अपडेट ढंग से डाउनलोड नहीं हुई है तो प्रॉब्लम्स आएंगी। तो यही है इसका सलूशन। अब मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ ताकि आपको पता लग जाए फैक्ट्री रीसेट कहाँ से करना है। ओके, तो ये आ गया हमारा फ़ोन। इसमें हम जाएंगे सेटिंग्स के ऊपर। करना है आपने फ़ोन में जाना है जनरल मैनेजमेंट में। जैसे ही जनरल मैनेजमेंट में जाएंगे आपको चौथे कॉलम में मिलेगा रेस्ट रीसेट वाला ऑप्शन। जैसे ही रीसेट पे जाएंगे आपको यहाँ दिखेगा फैक्ट्री डाटा रीसेट, रीसेट योर फोन टू फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग, दिस विल इरेज ऑल डाटा इंक्लूडिंग ऑल फाइल्स एंड डाउनलोड्स। ठीक है, ये आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ये कर लेंगे तो आपका फ़ोन फैक्ट्री जैसा था वैसा बन जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली अपलोड करना है, फिर से डाउनलोड करना है अपना सॉफ्टवेयर, नई अपडेट लेनी है। और कृपया करके जैसे मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं बिल्कुल वैसे करेंगे तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। तो होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। कोई भी आपका सवाल फिर भी आपके दिमाग में है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें और शेयर करें अपना एक्सपीरियंस। और जो मैंने डिस्कशन करने को बोला है कि अगर आपने डाउनलोड किया है मोबाइल से, तो वो प्लीज़ लिख दें ताकि लोगों को आगे मदद हो जाए और जो मैं कह रहा हूँ उसका यकीन हो जाए कि यस, ये प्रॉब्लम उसी में आ रही है जो मोबाइल से डाउनलोड कर रहे हैं अपडेट्स को। तो आगे फ्यूचर में ये गलती मत करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। ऐसे अपडेट्स और ऐसे टेक रिलेटेड जो नॉलेज मेरे पास है मैं शेयर करता रहता हूँ। और भी कोई आपका सुझाव हो और कोई सोल्यूशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वेलकम करें और बताएं आपको किस तरह की वीडियोज़ और चाहिए। थैंक यू वेरी मच।